देवसुमनयोर्यजुषी काठके यजुषी सप्तमी के एकवचन, काठके सप्तमी के एकवचन। अनयोः क्यचि आत् स्यात् यजुषी कठशाखायाम्। यजुर्वेदीय कठशाखा में प्रयुक्त मंत्र में देव शब्द और सुमन शब्द हो तो उनको आत् हो जाएगा, अंत में दीर्घादेश हो जाएगा, आत् देवा बनेगा। देवायन्तो यजमानाः सुमनायन्तो हवामहे। यह यजुशब्द न मंत्र मात्र पर किंतु वेदोपलक्षक, या यजुशब्द मंत्र मात्र परक नहीं है, समग्र वेद को लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कठा काठ के बोलना व्यर्थ हो जाएगा। कृष्ण यजुर्वेदीय और उधर ऋग्वेद में भी है, कौन सी काठक लेंगे? अर्थात यजुशब्द यहाँ पर केवल यजुर्वेद में नहीं रहा, सभी में से जो ले जाना पड़ेगा आपको, तभी अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए विशेषण कहा जा सकता है। ये यजु शब्द न मंत्र मात्र पर किंतु वेदोपलक्षक तेना ऋगात्मक मंत्रे, ऋग्वेदीय जो घटशाखा है उसमें भी यजुर्वेदस्थे भवति, और जो कि यजुर्वेद में स्थित भी होगा ऋग्वेदीय मंत्र, क्योंकि आप उपनिषद में देखते ना तत्रेते श्लोका भवन्ति, आता ही नहीं तत्रेतो श्लोको भवतः, मानो क्या मंत्र ऋग्वेदीय मंत्र को ब्राह्मण भाग में यजुर्वेद में ले लिया गया है, वो भी ग्रहण होगा। नहीं देखिए यजुर्वेद को यजुर्वेदीय मंत्र ही ग्रहण होगा, उसमें अंदर आया हुआ जो ऋग्वेदीय मंत्र है वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम। इसे यजु शब्द को यहाँ व्यापक अर्थ लेना पड़ेगा, पूरा वेद लेना पड़ेगा, तब यजुर्वेदस्थे है ना, यजुर्वेद में जो स्थित ऋगात्मक मंत्र अपि तेना भवति, ऋग्वात्मक मंत्र में उसको हम घटा सकते हैं। किंच ऋग्वेदे भी भवति, और ऋग्वेद में भी होता है। सचन मंत्र यजुषी कठशाखायां दृष्टा, और वो मंत्र यदि यजुर्वेद के कठशाखा में दृष्ट है तो भी ग्रहण होगा, वहाँ भी लागू कर देंगे हम। यजुर्वेदस्त ऋग्वेद में हो या ऋग्वेदस्त यजुर्वेद में हो, कहीं भी सूत्र लगाया जा सके, इसे इसको व्यापक अर्थ लेना आवश्यक हो गया। यजुषी च किम देवांजिगाति सुमनुयुः, भवरिचा नाम अपि अस्ति कठशाखा ततो भवति प्रत्युदाहरणम इति हरदत्त। क्योंकि जो है भवरिच शाखा वालों का भी जो है ऋग्वेदीय जो कठशाखा है वहाँ पर नहीं लगा, यजुर्वेदी कठशाखा में ही लगा, और जो है ऋग्वेदी कठशाखा में सूत्र नहीं लगा, ये लाभ हुआ। कव्यध्वर प्रतरस्यर्चिलोपः, कव्यध्वर प्रतरस्यर्चिलोपः, कव्यध्वर प्रतरस्यर्चिलोपः, कव्यध्वर प्रतरस्यर्चिलोपः, कव्यध्वर प्रतरस्य षष्ठी एकवचन, अर्चि ऋचि है गुण हो गया, अर्चि हो गया, ऋचि सप्तमी के एकवचन, लोपः प्रथमा का एकवचन। एषाम अन्त्यस्य लोपस्य, कवि शब्द का अंत्यकार है, अध्वर शब्द का अंत्यकार है, और प्रतना शब्द के अंत में आकार है, इनका लोप होता है। कब? ऋचि, अभी कैच के परते हुए, येषाम अन्त्यस्य लोपस्य केचि ऋग् विषये सपूर्वया निविदा कव्यतायोः। कैच के परते हुए कहा है ना, इसे कवि शब्द से कैच किया आपने, कैच के यह है तो इकार लोप होने से कव्य बने केजंत, उसे शेष कार्य करे कव्यतायो हो प्रयोग। अध्वर्युवा हुए हुए वो थोड़ा कटा हुआ सा है, अध्वर्युवा मधुपाणी, अध्वर्यु में क्या था, अध्वर यज्ञ होता है, उसे कैच किया, कैच का यह है अध्वर य, अध्वर कर रहा हम यह जो है लोप हो गया, अध्वर य मिला दिया अध्वर्यु, और वो प्रत्यय केजंत से वो प्रत्योदय छंद में वो बन करके अध्वर्यु बना रूप। अनुस्वर हो तो भी मंत्र में हो सकता है, अध्वर्युम पाठ भी हो सकता है, हाँ हो कोई बात नहीं, अध्वर्युम वा, हाँ अध्वर्यु यदि प्रथमा होता तो वाक्य कारण से विसर्ग नहीं दिखेगा, अद्वितीय के क्वेश्चन हो तो बिंदी रहेगी। दमयंतम प्रतन्युम,
प्रतनादि कैच हुआ, कैच के योग में प्रतना के आलोप हो गया, प्रतन बना, प्रतना का से प्रतन, प्रतन बन के यह है प्रतन्य, यहाँ भी वो प्रत्यांत के छंद से प्रतन्यु रूप बन गया। धदातेर ही जातेश्चक्त्वी, इन दोनों की अनुवृत्ति के लिए कह दिया है सूत्र आदि ला दिए। विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी, विभाषा छंदसी, विभाषा प्रथमिक वचनांत अथवा बे माना गया और छंदसी सप्तमी का एक वचन। इत्वा शरीरम ब्रह्मा, इत्वा शरीरम क्या करेगा, जहातेर अंगस्य विभाषा ही आदेश स्यात्, वहाग त्यागे धातु के अंगभूता धातु अंश को पूरे को ही आदेश कर देना है। विकल्प विभाषा, हित्वा शरीरम हात्वा वा, तीन रूप बन गया ना फिर तो, हित्वा हित्वा हात्वा, तो यहाँ तो ह्रस्व ही आदेश कर रहे हैं ना, ह्रस्व वाला ही हो गया एक जो सूत्र कर ही रहा है हित्वा, और जब ही नहीं करेंगे तो हात्वा बनेगा, वो तो बनेगा किंतु दीर्घ वाला नहीं बनेगा, दीर्घ वाला तो लोक में है वेद में नहीं प्रयोग करेगा। हाँ, इसलिए आगे जो नीचे जो है ना, क्वचित्तु हात्वा इति पाठ तत्र छांदसत्वात् गुमास्तेति इत्वा भाव, देखो छांदस में जब हम प्रयोग करेंगे हात्वा प्रयोग हुआ क्योंकि उस स्थिति में क्या है छांदसत्वादेव गुमास्त से इत्व नहीं हुआ, मैंने छांदस में इत्व नहीं करेंगे ये तो कह रहे हैं टीका हम स्पष्ट नहीं, घुमास्त तो नहीं लगा रहा है ना, टीका बोल रहे हैं साहब घुमास्त को हम नहीं लगाएंगे, मैंने तीन रूप कैसे बनेगा, या तो विभाषा विकल्प दो ही बनना चाहिए ना, तीन तो बनना ही नहीं चाहिए, तीन तो कहाँ से बना देंगे आप। सिद्धार्थ गोंध में दीर्घ ये है, काशिका वाले लिख रहे हैं हित्वा मतलब हत्वा ऐसे करके छोड़ देते हैं, पदमंत्री कार वाले इत्व अभाव दीर्घ इत्व अभाव, इत्व का अभाव ही ठीक है, छांदसत्व इसलिए है पदमंत्री में, तो इसलिए का जो हित्वा है या तो गलत है या गलत है, इसलिए हम कह रहे थे ना ये वास्तव होना चाहिए सूत्र के आधार पर हित्वा और हात्वा बननी चाहिए, छांदस्व का अभाव कह दिया गया, हाँ यदि तो करना ही था फिर सूत्र व्यर्थ ही है, धृदातिर तो बनी रहा था लोक में ना, उसकी विभाषा छंद से हो गया तो ही बनेगा, एक बार ही बन जाएगा, वो वाला ही बन जाता छांदस में, धृदातरी जो नित्य कर रहा था उसकी विभाषा छंद से क्या होगा, एक बार हस्व होगा एक बार छांद वो तो ईत हो जाएगा, लेकिन हात्मा करने के लिए सूत्र आरम्भ किया है, ये सूत्र आरंभ ही है हात्वा करने के लिए, मैंने हित्वा बनी रहा था उसको विकल्प करने से हात्वा बना, इसी बात को समझा नीचे टीकाकार कहते हैं हात्वा पाठ इसलिए उचित होता है क्योंकि छांद स्रोत में हित्व करना नहीं है, ऐसे तीन रूप जो बता रहे लोक दृष्टिया तीन बन जाए लोक लौकिक को जोड़ करके, ये तो नहीं हो सकता है, इन वास्तव में वही हात्वा होना चाहिए, और यदि हित्वा पाठ कर रहे हैं तो गलत है, हाथवा ही दे रहे हैं काशिका का, सुधित वसुधित नेमधित धिश्व धिशीय च, सुधित वसुधित नेमधित धिश्व धिशीय च, ये सब निपातन से होगा, सु वसु नेम एतत् पूर्व से दधाते हैं क्ता प्रत्यय परे इत्वम निपात्यते, क्ता प्रत्यय प्रति उनको इत्व कर दिया, सुधिता बना इसीलिए वसुधिता सुपसर्ग धा धातु से इत्वन से सुधि क्ता प्रत्यय वसुपूर्वक धा को ये क्या तो वसुधिता, नेम अर्ध पर्यायवाची है सर्वनाम संचक इसी उपद में रहते हुए धा धातु से इत्वन से नेमधिता बना, दृष्टांतरे गर्भम माता सुजितम वक्षणासु वसुधितम अग्नौ नेमधिता न पौंस्या, तिनी अपि दृश्यते तिन के प्रत्यय भी देखा गया, उत श्वेतम वसुधितम निरेके धिश्व वज्रम दक्षिण इंद्रहस्ते, अबे धिश्व का दृष्टांत दे दिया, धिश्व वज्रम दक्षिण इंद्र हस्ते धत्स्व इति प्राप्त, लोक में क्या हो रहा था धत्स्व हो गया यहाँ धिश्व, इत्व हो गया निपातन से, सुरेता रेतो धिशीय आशलिंग में यह इट्टो का इट का रूप है, ये
इटोत् धासिये इति प्राप्ते, प्राप्ते लोक में धासियो हो गया, धिशियो ये रूप बनेगा लो छांदस बनता ही आश्रम में धा धातु से वही बनेगा। सुश्रुतितो बना सुट और श्रुतितो होता है, इटोत है वहाँ पर वो सब लग करके बना है। अपो भी इसका अनुवृत्ति दिलक दिखा रहे मासच्छंदसी वक्तव्यम, मासच्छंदसी वक्तव्यम, माद्भिः शरद्भिः ये रूपंते मासच्छंदसी न इधर पद्धनो मास लग गए यहाँ पर पद्धनो इति मास से मास आदेश स्यात्, मास भिस के पड़ते हुए मास को मास आदेश कर दिया और वार्ती की वजह से स को त किया, त को द कर माद्भिः बना। शरद भी ये तो मंत्र का हिस्सा दे दिया, माद भी शरद भी ही का कोई रूप का कोई मतलब नहीं है। स्व स्वत वसो ऋषस्येष्यते, स्व स्वत वसो ऋषस्येष्यते, पहले आए थे स्वस भी आए स्वतवस भी पहले आया हुआ है, अब ये नया ले आया जो है उषसस को ले आया है। यहाँ भी इन सब के भी तकार हो जाता है, इन सबको भी ता होगा, स्वस के वस को सकार को तकार हो गया। स्वद भी ही आवते रसुन प्रत्यांत है शोभनम अवो ये शांते स्वसस्तई ही बन गया। तू इति सौत्रो धातु तस्माद असुन होकर बना, स्वम तवो ए शांत इति स्वतवद भी स्वतवस के सकार को तकार होकर तकार हो गया। स्ववसस को भी यहाँ पर जो है स्ववसस्त स्ववस स्ववद भी स्ववसस्त, मेरे पूर्व का ही दृष्टान्त दे दिया और प्रयोग कर दिया है स्ववसस्त ही, स्ववस का स्ववद भी बना उसी का षष्ठी में रूप बनाओ दिया, पंचमी में करोगे द्वितीय में करोगे स्ववसः बनेगा ना, वो दिखा रहे हैं स्ववसस्तैः। तु इति सौत्रो धातु तस्माद् असुन होकर के स्वम तवो येषान्तैः इति स्वतवद्भिः समुषद्भिर् अजायताः उषद्भिः मिथुने असिः वसेः किच्च इति असि प्रत्येति हरदत्तः, ऐसा माना गया है हरदत्त कारणे फर्क किया, प्रत्यय भेद कर रहे हैं। उषसस्त ना उषसस्ता तो उषस को इसने कर दिया सकार को तकार, तकार को तकार उषद भी बना। पंचपादी रीत्या तो उषकिदिति प्राग व्याख्याता, ये पूर्व में वर्णन कर चुके हैं उषस शब्द से पर में प्रत्यय कित हो गया, अतः गुणाधिकारी नहीं हुआ, यहाँ भी असुन प्रत्यय हुआ उषदहाय से असुन हुआ उषस बचा, इन गुण क्यों नहीं हो उसके लिए कित कर दिया गया है। न कवतेर यंगी याद दिला रहे कार्य करने के लिए, यंग के प्रति अभ्यास को चुत्त करता है, उस प्राप्त को निषेध करना है, उसके लिए न का अनुवृत्ति कर लेंगे। कृषेश छंदसी, कृषेश छंदसी, कृषे है षष्ठी का एक वचन है, छंदसी सप्तमी का एक वचन, दो पद है। यंग अभ्यास चुत्तम ना, यंग के पढ़ते हुए अभ्यास को चुत्व नहीं होगा। करी कृष्यते यंगंत है ना, री का आगम हो गया अभ्यास को, ककृष होना चाहिए ना, करकृष ककृष अभ्यास री का से करी कृष हो गया, ककचौ नहीं हुआ, चुत्त नहीं हुआ। दाधरती दरधरती धरधर्षि बोभूतु ते तिक्त्यलर्ष्या पणि फणत् संसनिष्यदत् करिकृत् कनिकृदद् भरिभ्रद् दविध्वतो दविद्युतत् तरिस्त्रतः सरिसृपतं वरिवृजन् मर्मृज्याग्निगन्तीति च। दाधरति
दाधरती धरधरती धरधर्षि बोभूतु ते तिक्त्यलर्ष्या पनी फणत संसनिष्यदत करिक्रत कनिक्रदत भरिभ्रद दविद्धतो दविद्युतत तरिस्त्रतः सरिसृपतं वरिव्रजन् मर्मृज्यागनिगन्तीति च दाधरती दर्धरती दर्धर्षि बोभूतु ते तिक्त्यलर्ष्या पनी फणत संसनिष्यदत करिक्रत कनिक्रदत भरिभ्रद दविद्धतो दविद्युतत तरिस्त्रतः सरिसृपतं वरिव्रजन् मर्मृज्यागनिगन्तीति च सब निपातन से बनेंगे ये ते अष्टादश निपात्यन्ते आद्यास्त्रयो धृंगो धारयतेर्वा धृंग अवधारणे अथवा दुधाएं कंडिजंत धारयते दुधाएनी धृं धृनी धारणे भवतेर यंग लुगंतस्य गुणाभाव और उसके बाद बोभूतु में भवतेर यंग लुगंत है वो गुणाभाव निपातन हुआ तेना भाषायां गुणो लभ्यते इसे भाषा में गुण है जैसे दो जाता है तिजेर यंग लुगंता तंग तिज धातु यंग लुगंत से तंग प्रत्यय हो गया है और यत्तेर लटी हलादि शेषापवादो रेफस्य लत्तम इत्वभावश्च निपात्यते यत्तेर में लट के प्रत्यय हुए जो है सब कार्य निपातन से कर दिया हलादि शेष नहीं किया यदि हो जाता है हलादि शेष होना चाहिए वहाँ वो नहीं किया गया उसका अपवाद कर दिया और रेफ को लकार भी कर दिया इसलिए जो है रूप क्या बना वहाँ पर अलर्षी 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 ये रूप बनेगा अलर्षी युष्मक खजकृत पुरंदर कहीं का प्रयोग दिखा दिया अलर्षी क्या है सिपा निर्देश न तंत्रम सिपा शिप का जो निर्देश है नियमार्थ नहीं है इसे अलर्ति दक्ष तभी प्रयोग अतिप्रयोग प्रयोग हो गया है फणतेर आंग पूर्वस्य फण धातु क्या है आंग पूर्व लेना है यंग लुगंतस्य शतरी अभ्यास से नीकागमो निपात्यते नीकागम निपातन किया अन्वा पणी फणत अन्वा पणी फणत आपणी फणत प्रयोग हुआ संदेह है संपूर्वस्य यंगलुकी शतरी अभ्यासस्य निक हो गया धातु सकारस्य सत्व निपातन से करोतेर यंग लुंगंतस्य अभ्यासस्य चुत्त का अभाव निपातन क्रंदेर लुंगी छ्लेर अंग दीर्वचनम अभ्यास चुत्त अभाव निक आगमश्च निपात्यते कनिक्रद जनुषम प्रयुवा क्रंद धातु ना उसके अक्रंदित इत्यर्थ विभर्तेर अभ्यासस्य जस्तभाव वियो भरिभ्रद्धो शरीषु ध्वरतेर्यंगलुगंतस्य क्षत्रिय अभ्यासस्य विक आगमो धातो ऋकार लोपश्च दविध्वतो वन दविध्वतो रश्मः सूर्यस्य द्युतदीप्तो द्युतेरभ्यासस्य संसारणाभावो अत्वम् और विक आगमश्च निपातने दविध्युतत् ईद्योषवाण तरता त्रिधातु से शतरी श्लौ अभ्यास से ऋक्कागम सहोर्जा तरित्रतः सृपगतौ सृपे शतरी श्लौ द्वितीयक वचने ऋक्कागम अभ्यास से अभ्यास ऋक्कागम के श्री श्रीपत्तम द्वितीय के एक वचन का अनुकरण है व्रजे शतरी श्लौ अभ्यास से ऋक्कागम हुआ मृजेर लिटी नल अभ्यास से रुक धातोश्च युक आगम और अंत में गम धातु गमेर आंग पूर्व से लेना आगण गणत में लटी श्लो अभ्यास से चुत्व भावो नीक आगमश्च निपात वक्षन्ति वेदा गनी गंति कर्णम प्रयोग हुआ ससुवेति निगमे ससुवेति निगमे ससुवेति निगमे ससुवेति निगमे ससुवायति ससुवा प्रथमिक वचनांत अनुकरण किया इति जो अव्यय है निगमे सप्तमी वचन है सूतेर लिटि परस्वे पदम उक्क आगमो अभ्यासस्य च आत्वम निपात्यते अत्वम निपात्यते गृष्टि ससुव स्थविरम लोक में क्या होगा इसलिए सुषुवे इति भाषा है
बहुलं छंदसी बहुलं छंदसी बहुलं प्रथम एक वचन छंद सप्तमी के एक वचन अभ्यास से इकार छंदसी अभ्यास के स्थान में इकार आदेश होता है छंद मात्र में पूर्णां विवष्टि वशेर एतद् रूपम वशकांतों के रूप है वशकांतों में वैसे भी तिप है ना तिपोन से क्या बनना चाहिए वष्टि बनता है केवल ये द्वित्वाधिकार सब कुछ निपातन हो गया विवष्टि बना दिया टीका हाँ देवान जिगाती थी ननविदा प्रत्युदाहरणम अंगत्वय विकलम यह प्रत्युदाहरण जो है अंगत्वय रहित कह दिया गया है यजुषी काठक इतनी अंशत्वस्यापि तत्व तत्र अभावात क्योंकि ना यजुर्वेदी है वो इन्हें कठोपनिषद का है अंग जो सूत्रकार ने कहा था ना यजुषी काठक दोनों ही बात इसमें नहीं है इत्याशंक्या ऐसे आशंका करके नहीं नहीं भाई बरवृत शाखा का कठोपनिषद काठक है काठक एक दोनों अंश नहीं एक अंश नहीं है तभी तो प्रतिदान बना नहीं तो प्रतिदान नहीं बनेगा वो तत्र इदम दृष्टमिति भाव मैंने बरवृत शाखा में जो है देखा गया है ऋग्वेद में काठक इति किम यजुर्वेद शाखांतर माभूत यजुर्वेद ये जो शाखांतर में ये लागू ना होवे यजुर्वेद ये भी काठक शाखा में लागू करना है मा दिंदा कान्व शाखा अन्य शाखाओं में लागू नहीं करेंगे ये सूत्र अन्यत्र सुम्नयुरिदम अस्ति ये प्रयोग भी है इसलिए कवि अद्वर प्रतना येषाम अंत्यश्लोप स्यात् केचि परे रिचि विषये मृगव्यादि गणो अद्वर्य शब्द पठ्यते तद व्युत्पत्त्यंतरम बोध्यम वहाँ दूसरी उत्पत्ति सिद्ध कर लेंगे ये भाषा जाते रंग से भाषा ही आदेश स्यात् विकल्प से ही आदेश हो गया हित्वा ही आदेश भावे गुमास्त इति इत्वम इनके अनुसार दिखा दिया इन्होंने क्वचित्तु हात्वा इति पाठ तत्र छांदसत्वात् गुमास्त इति इत्व भाव ये मुख्य फल है इनके हिसाब से तो यही बोल रहे ये हात्वा हित्वा ही मान के बोल रहे बाल ब्रह्मा इन तो अपने हिसाब से बोल रहे लेकिन अन्य काशिका सबके हिसाब से इनके मान्य नहीं है जो बोल रहे हैं ये हरदत्त के हिसाब से बोल रहे हैं वसुधितमिति कर्मधार इति हरदत्ता देखो है ना हरदत्त को ले आते बार बार बालवन कार्य उनको ज़्यादा उनके ही बात पसंद है प्राचीन आचार्यों को मानते नहीं वसूनाम धातारम प्रदातारम इत्यर्थे इति वेद भाष्यम ये वेद भाष्यकार ने ऐसे व्याख्या किया है इसे कर्मधार समास कैसे लोगे हैं वसूनाम धातारम व्याख्या किया वेद भाष्य षष्ठी कर रहे हैं और आप कर्मधार समास कर रहे हैं हरदत्त नेमधितमिति सामी पर्यायो नियम शब्द है ना सम पर्याय सामी पर्यायो नियम शब्द अयम भी कर्मदार है धत्स्वेदी स्नाभ्यस्तोरात इति आकार लोप धतस्तथोश्चित भष भाव दिशियेति आशीर्लिंग आत्निपदोत्तम पुरुषैक वचने ददाते इत्वम निपात्यते इत्तुगो निपातन किया तदा आशीर्लिंगीति माध्वीरिति पद्यन्नौ मासित मास शब्द से मास आदेश मास शब्द को मास आदेश हुआ वसकार को तकार का रूप बना न कवतेरिति अनुवृत्त्यर्थम उपन्यास मात्र किया गया करी कृषत रुग्रकौच लुकी इति रिक आगम स्यात् लोके तो चरी कृषते कृषि वल इत्यादि प्रयोग होता है धृंग इति धृंग अवस्थाने धारे तेरवा सएव अण्यंत उसी धातु अण्यंत ले ले तत्र दाधरती इत्यत्र धारयते शपा श्लौ नीलुक अभ्यास दीर्घत्वंच निपात्यते वह निपातन कार्य ज्यादा करना पड़ेगा केवल धृंग को लेंगे तो इतना नहीं है धृंगो वा शे देखो धृंगो वा अतः धृंग धातु का ले लो सीधे निजंत मात्र लो तो वहाँ क्या क्या करना पड़ेगा शे प्राप्ते व्यत्यय न शप करो शप प्राप्त तुदाधिगण के कारण से उसके बाद के शप कर लिया तत्र श्लोक अभ्यास दीर्घत्वंच और शप को श्लू करके अभ्यास कार्य आदि कर देंगे यानी अभ्यास में दीर्घत्व निपातन है अत्र च परस्मै पदम अपि निपात्य तस्यैव यंगलुक अभ्यास से रुगाद्यपवादकम दीर्घत्व निपात्यते इति
और उसको यंग लुगंत में अभ्यास यंग लुगंत प्रयोग कर दूंगा और अभ्यास में रुकागम कर रुक रुकादि अपवादम कृत्वा दीर्घ का निपातन कर दिया। धर धरती इत्यत्र यंगलुक पक्ष है दाधरती ति निपातन न प्राप्त से दीर्घ से अभाव निपात्य थे रुग रिको चलुकी ऋतश्चित्येव रुक सिद्ध रुक तो प्राप्त है निपातन करने की जरूरत नहीं है। ये श्लू पक्ष है तो रुगपि निपात्य श्लू पक्ष में तो रुक भी निपातन करना पड़ेगा। धरधर्षि इत्यत्र यंगलोक पक्षे न किंचित निपातनम किंतु श्लोवेव के श्लू करना पड़ेगा। भवतेर यंगलुगंतात् लोट गुणाभाव इति ननु भूसुवस्तुंगित गुण निषेधे सिद्ध है निपातनम अनर्थकम इति चेत् सत्यम ज्ञापकार्थम तर्हि निपातनम फिर निपातन कम ज्ञापन करने के लिए क्या ज्ञापन करोगे एतद् ज्ञापयति अन्यत्र यंगलुगंतस्य गुण प्रषेधो न भवति इति तेना वो भवीति इत्यत्र भाषयं गुण सिद्धा तदेतदातेन भाषयं इत्यादिना तिजेरि यंगलुकी आत्मन पदम निपात्यते तदा तिजेरिति रिगतौ लटिसिपि श्लौ इति द्युत्वा अभ्यास से हलादिशेष अपवादो रेफस्य लत्वं निपात्यते अर्ति विपर्त्योश्च इति अभ्यास प्राप्त इत्वस्य अभाव अपि निपात्यते तदा यर्ते इत्यादिना रिगतौ धातु का रूप है। अक्रीमे जर करोत्तर यंग लुगंतस्य शतरी अभ्यास से चुत्व भाव निपात्यते ऋतश्चेति ऋगागम तदा करोत्तर इत्यादिना चुत्व भाव इति कोश्चु इति प्राप्तस्य विवर्तेर यंग लुगंतस्य शतरी अभ्यासस्य जस्त्व भावो निपात्यते कोश्चु से चुत्व भाव अभाव कर दिया जस्त्व का भी अभाव कर दिया तदा विभर्तेर इति जस्त्वाभाव इति अभ्यास चर्चित प्राप्त से निषेध कर दिया। द्विध्वत ध्वरते यंग लुगंतस्य क्षत्रि रूप ध्री धातु है उससे जो है यंग लुगंत वह क्षत्रि प्रत्यांत रूप है नाभ्यस्ता चतुर्थ नुम प्रतिषेध द्वितीय यंग लुगंतस्य क्षत्रि अभ्यास से संसारण भाव अत्वंच निपात्यते संसारण अभाव होना चाहिए दीर्घ होना चाहिए ये संसारण नहीं करेंगे ना यहाँ पर द्यू ही रहेगा वहाँ पर ऊपर में वह मूल में तो अभाव कहा भी था अभाव बोला है यहाँ इसे दीर्घ बनाओ इसको संसारण अभाव च निपात तदाह द्वितीय संसारण अभाव इति यहाँ तो ठीक ही दिया है जिति स्वाप संसारण प्राप्त से अभाव इत्यर्थ ससुवेदि निगमे दाधर्त्यादिशु ये तत् पठितव्य इसको अलग क्यों सूत्र बना रहे हो उसी से जोड़ देता 18 से 1900 जोड़ देते हो वही निपातन तो करें करना ही है। विवष्टि वशकांत लटि तिपि शप श्लौ द्युत्तम अभ्यास सीतम प्रसिद्धम स्तुत्व करु बना जो है विवष्टि यहाँ पर जो वश का जो अप्राप्त में ये कार्य कर रहा है अभ्यास को इकार करना यह अप्राप्त है निपातन कार्य उतना ही है। नीचे यजुर्वेद स्थिति यजुर्वेदी ये कठशाक स्थित कव्य द्वारा कव्येत्युदाहरण विभाषा जातेर हिर वास्यात ये क्या है ये वास्यात द्वित्वी हात्वा इति पाठे छांदसत्वात् यित्व भाव वसुधित व्यावी कर हात्वा इति पाठे बोल रहे हैं ये भी ही पाठ को लेकर के बोल रहे हैं तत्वदनीय शेखर टीका वसुजितम इति कर्मधार इति अर्धत्ता नेम इत्यर्थ है नेमधित कर्मधार समास है माधुरी पद्धन्नो इति मासस्य मास आदेश आद्यास्त्र इति अब संबोधन में चला गया निपातन वाले में दृंगा शप श्लोह अभ्यास से दीर्घ परसे प्रश निपात्य थे और धारे थे तो श्लू नी लुक अभ्यास दीर्घत्वानि इतने निपातन करने पड़ेंगे। अंत्य श्लू नी लुक गभाव दृंगस्तु श्लू रुक परसे पदानि इतने निपातन करने पड़ेंगे अथवा यथवा दृंगो यंग लुक करके रुग भाव मात्रम आद्य और तन निपातन प्राप्त रुग अभाव से
बाधाय धरधरती इत्यत्र रुग निपातन कर देना है। धरधर्षि इत्यत्र तो यंग लुक पक्ष है, न किंचित निपात्यम, किंतु श्लोक करके द्युत करना ही निपातन है। यंग लुगंते सेति लोटी इति शेष, जैसा लोट लकार के रूप थे, तेन भाषा में दी लोट अतिरिक्त लोट से भिन्न में क्या होगा भाषा में, वो भवीति इति वो भोति इत्यादि बन जाएंगे। यंग वायते पक्ष ईट होगा, इसे वो भवीति बनाया। संपूर्व से थी संपूर्वतम अतंद्रम आसनिषद, देखो आसनिषद अंग प्रवी प्रगुआ इति दर्शनादिति वृत्ति है। करोतेर उंगलुगंते सिति शतरित शेष रिक्तो रुग रिकौ चेति स्वतः सिद्ध है। निगागमश्चेति चात अड़ाभाव अटका भाव भी हो गया। यंग लुगंतस्य शत्रीति शेष विभर्ते के लिए द्वितीयरिति यंग लुगंता शत्रीति शेष तरित्रता में भी जसंतम तरित्रत क्या है जस प्रत्यय नाभ्यस्ता इति नुम न, ये नुम करने वाले नपुंसकलिंग में नुम करता है ना, उस प्रकरण में मिलेगा। शब्शन और नित्यम वगैरह है ना, अनाभ्यस्ता छतु इतना ही सूत्र है, सूत्र से नुम नहीं हुआ। मर्मृज्य इत्यत्र वृत्त्य भावोपि छांदसत्वात् इति शब्द एवं प्रकार प्रकाराणाम अन्येषामपि संग्रहार्थ, सूत्र में इति इसलिए कह दिया अन्य भी संग्रह हो सकता है। अतः सुसुवेत्य सूत्र अलग बनाने की जरूरत नहीं, सुसुवेत्य निगम में सुसुवेत्यपि धाधर्त्यश्वेव पठितुम युक्तम इकार इति श्लाविति शेष न च भवति ददात्येव ब्रूयात् इति प्रयोग हुआ है। आदि गणीय दृष्टांत के द्वारा ज्ञापित कर दिया इसने, इति ज्ञापितम ज्योत्यादि गणियादि धातुषु एव अयम सूत्र प्रवृत्ति, ये जो है सूत्र की प्रवृत्ति, ये जानते वाले निकारा जो कहानी हम कर रहे हैं अभ्यास स्वीकार स्याच्छंदसी, ये जो बात सूत्र पर हमारे टिप्पणी लिख रहे हैं अदादि गणीय दृष्टांतेन इदम ज्ञापितम, अदादि दृष्टांत दे रहे हो और श्लू कर रहे हो जित कर रहे हो, ये ज्ञापित हो रहा है ज्योत्यादि गण धातुषु एव अयम सूत्र प्रवृत्ति थी न भवति श्लू को देखते हुए, किंतु ददादि शब्देन ज्योत्यादि गणस्य श्लोक इत्यस्य अनुवर्तनात् ज्योत्यादिषु एव इदं प्राप्ते अयम उक्ति, निपातन को उक्ति इसलिए करनी पड़ी, नहीं तो ज्योत्यादि गण में ही प्राप्त हो रहा था अदादि गण को नहीं हो रहा था। इन अदादि गण को धातु देने से ज्ञापन होता है निपातन का फल यही है, अदादि गण धातु से भी अश्लोक आदि कार्य कर सकते।